हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू कायो पेरिगो हाइस्ट। और कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज मैं और रिचर सेनपाई करने वाले हैं कायो पेरिगो हाइस्ट, जिसमें हमें मिलने वाला है $1,000,000। जी हाँ गाइस, GTA 5 में हम चलिए शुरू करते हैं। GTA 5 में गाइस ऐसा होता है कि ऑनलाइन में हमारे पास में होता है कैश, लेकिन कैश हमें मिलता है क्रिमिनल स्टार्टअप पैक में सिर्फ 1,000,000। हमें और पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं ताकि हम कुछ कर सके। तो गाइस, मैं और रिचर्ड सेनपाई दोनों जा रहे हैं कायो पेरिगो हाइस्ट में, कायो पेरिगो आइलैंड पे, और वहाँ करने वाले हैं हम एक बड़े से मैंशन के अंदर लूटाई। तो हम करने वाले हैं लूटिंग, और लूटिंग में हमें मिलता है गोल्ड और सिल्वर और कई सारी चीज़ें मिलती। सिल्वर तो नहीं, गोल्ड मिलता है और वाइट स्टफ़ करके कुछ मिलता है, और साथ में हमें मिलती पेंटिंग्स, कुछ अच्छा सा लूट का और सामान मिलता है। तो हम और रिचर, मतलब मैं और रिचर एक सेनपाई जो है वो जा रहे हैं, और हम लोग करने वाले वहाँ पे बहुत सारी मतलब मस्ती और मज़ा। और गाइज, इसी के साथ हम आप हमारी वीडियो देखते रहें, और गाइज साथ ही साथ में लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। इसी के साथ अगर आपको पसंद आया हो मेरी पुरानी वीडियोस, आगे भी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हम यहाँ पर आ चुके हैं, रिचर मेरे पीछे है, और हम लोग जा रहे हैं जाके गेट कीज लेने के लिए। तो हमें एक की तो मिल चुकी है गार्ड के पास में, लेकिन दूसरी की हमें ऊपर ऑफिस रूम में लेनी पड़ती है। ऑफिस रूम में जब मैं जा रहा रहता हूँ तो ऐसा होता है कि पास में है ना एक गार्ड आता है, और रिचर बोलता है कि यार भाई गार्ड आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ यार क्या करूँ, और अब गार्ड का स्पॉनिंग और स्पॉटिंग जो है वो एकदम सीधा रहता है, तो गार्ड मुझे देख लेता है फिर मैं उसको हिट कर देता हूँ। और अच्छा होता है कि नीचे मुकैम्बो, जो हमारा डेंजरस मुकैम्बो है, वो मुझे नहीं देखता है। गाइस, यहाँ पर एक मुकैम्बो नाम का डेंजरस बंदा रहता है, जिसके पास में एक मशीन गन रहती है, और उसकी एक गोली आपको पूरा ख़त्म कर सकती है। आप कितना भी बड़ा वो लगा लो आर्मर, आपको वो देख सकती है, मतलब वो देख सकता है आपको, क्योंकि उसका रेडियस बहुत बड़ा रहता है। तो गाइस, यहाँ पर रिचर बोलता है कि भैया मैं ना ये सब हैक कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से लूट लेता हूँ पैसा वैसा, पेंटिंग वेंटिंग, आप नीचे चले जाओ, आप नीचे जाके मुकैम्बो देख लो। तो उसी के साथ साथ रिचर भी नीचे आ जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि यार अब है ही नहीं लूट ऊपर, तो क्या नीचे लूट लेते हैं। तो हम लोग जब नीचे आ रहे रहते हैं, तब है ना मुकैम्बो एकदम फोकस में बैठा रहता है, और मुकैम्बो आ ही जाता है, और हम लोग ऊपर जाते हैं, फिर मुकैम्बो चला जाता है, तो हम लोग नीचे जाते हैं। तो ऐसा होता है कि हम लोग जब नीचे जाते हैं, तो नीचे जाने के बाद हम लोग बेसमेंट में जाते हैं, बेसमेंट में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे वैल्यूबल है। मैं ताला खोलता हूँ, हम लोग सीधा चले जाते हैं। तो गाइस, ऐसा होता है कि फिर रिचर नीचे आ जाता है बेसमेंट में, और बेसमेंट में आने के बाद वो बोलता है कि मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर को खोलूंगा, आप परेशान मत हो, मैं कर लेता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तू कर ले भाई। हमारे साथ में क्या है, स्कॉर्पियन भाई भी रहते हैं, फिर हम लोग डिस्कॉर्ड पे लाइव आ जाते हैं। तो स्कॉर्पियन भाई बोलते हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो यार इतनी देर से। तो स्कॉर्पियन भाई को भी मैं छोटा सा शाउट आउट अपने वीडियो में कर देना चाहता हूँ, क्योंकि स्कॉर्पियन भाई के वजह से ही आज हमने खरीद पाए, मतलब खरीद पाया है, क्योंकि उनने मदद किया। और सबसे पहला थैंक तो हम को करते हैं कि भाई उनने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम कुछ कर सकते हैं अपने हाथों से। भाई सबसे पहला गॉड को थैंक यू, और दूसरा कि स्कॉर्पियन भाई को भी हम थोड़ा सा थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि उनके वजह से हमारा मतलब पैसा स्टोर हो पाया, हमने इतने बड़े बड़े मिशंस कर पाए, और हमें इतने पैसे मिल पाए। तो गाइस, ये रहा जो गोल्ड है, ये कायो पेरिगो का गोल्ड है गाइस, हम ये चुराएंगे और अपने बैग में भरेंगे। और जब हम लोग भर रहे रहते हैं, तो मैंने रिचर को बोला रिचर बस गोल्ड ही लेना है, पेंटिंग नहीं लेना, क्योंकि हमारा बैग भर जाएगा पेंटिंग से, तो फिर गोल्ड का अमाउंट हम नहीं ले पाएंगे। तो रिचर बोलता है ठीक है भैया, आप बेयर माउंट्स चुरा लो, जब तक मैं जब तक बचा हुआ गोल्ड लूट लेता हूँ। तो रिचर वहाँ पे गोल्ड लूटने लगता है, और हम यहाँ पर है ना बेयर माउंट्स का चुराने लगते हैं। तो गाइस, जब मैं बेयर माउंट्स के पास आता हूँ चुराने के लिए, तो एक सेकंड के लिए लगता है कि यार मैं वो बेयर माउंट्स का पासवर्ड भूल गया हूँ। फिर नीचे फ्लैश होता है, तो मुझे याद आता है कि बेयर माउंट्स को जब चुराने जाते हैं, तो उसका है ना पासवर्ड मुझे फिर बाद में याद आता है कि नीचे हाँ यार ये था वो था करके। फिर वो रिचर बोलता है अरे भैया ये पासवर्ड है, तो फिर वो क्लियर हो जाता है, हाँ ये पासवर्ड है, जल्दी डालता हूँ। और फिर जब डाल के हम लोग लूटने लगते हैं, तो इसी समय है ना मतलब ऐसा रहता है ना कि अब तो पकड़े जाएंगे, हो ही ना। तो फिर भी भाई गॉड ग्रेस कि हम लोग निकल जाते हैं, और हमारा सब कुछ हो जाता है। फिर रिचर बोलता है भैया रिस्क मत लेते, अपन यहीं से निकल जाते हैं, अपन और थ्रिल करते हैं। तो मैंने बोला यार थ्रिल के चक्कर में पकड़े गए तो और क्या। फिर है ना रिचर को है ना थोड़ा टाइम लग जाता है ये खोलने में। फिर गाइज हम लोग ये खोल कर हम लोग सीधा बाहर चले जाते हैं।
तो गाइस फिर हम एक सीक्रेट टनल ढूंढते हैं जिससे हम धीरे से नीचे जाते हैं और वहां पर एक बंदा खड़ा रहता है। तो मैं 2 सेकंड के लिए स्टंट हो जाता हूँ, मैंने बोला बंदा अब तो पकड़ा है। फिर हम लोग राइट से निकल के धीरे से ऊपर जाते हैं, फिर वहां पर भी एक बंदा रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि इसका क्या करना है, तो मैं स्पॉट करता हूँ, 2 मिनट टाइम लगाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इसको मार देता, नहीं तो ये हमें पकड़ लेगा वापस आते समय। तो फिर हम लोग इसको नॉक करते हैं और नॉक करने के बाद में हम यहाँ से फिर सीधा जाते हैं और फिर मैं रिचर्ड को बुलाता हूँ, रिचर्ड जल्दी आओ करके। और फिर ऊपर मेरे को दिखता है कैमरा, फिर मैं कैमरा तोड़ता हूँ, नहीं तो कैमरा भी हमें स्पॉट कर लेगा तो हम पकड़े जा सकते हैं। फिर मैं रिचर्ड को जल्दी बुलाता हूँ और मैं कवर ले लेता हूँ जब तक मोगैम्बो आ जाता है, नहीं तो मोगैम्बो देख लेगा तो वो और दिक्कत हो जाएगी। गाइस मोगैम्बो चला जाता है, फिर मैं जल्दी से रिचर्ड को बुलाता हूँ, रिचर्ड भी वहाँ आ जाता है। फिर हम लोग गेट में गेट लॉक अनलॉक करते हैं और गेट जब हम अनलॉक करते हैं तब हम जल्दी जल्दी जाके है ना बचा हुआ कैश और बचा हुआ गोल्ड लूट लेते हैं और पूरा एक तरीके से गोल्ड पूरा कंप्लीट लूट करके, कैश पूरा लूट करके हम लोग यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। और जब हम लोग प्लान बना के पूरा एकदम लूट ही रहते हैं तब सामने से मैं बाहर जाके देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पर और कैश दिखता है, मतलब मैं देखता हूँ कि वहाँ पर भी कैश है मैप में। तो हम लोग मैं दौड़ के वहाँ जाता हूँ, मैं रिचर्ड को बोलता हूँ रिचर्ड मैं वहाँ जा रहा हूँ तुम पीछे पीछे फॉलो करना और पकड़े मत जाना करके। तो रिचर्ड बोलता है ठीक है भैया मैं नीचे से आ रहा हूँ आप ऊपर से जाओ। तो फिर मैं ऊपर से जाता हूँ और वी आर लाइक कि हाँ यार हम जाके यहाँ पे स्पॉन करते हैं। मुझे एक और बंदा दिखता है कि वो हमें पकड़ लेगा और हमारे को मतलब आइडेंटिफाई कर लेगा, इसलिए मैं पहले आके उसको नॉक कर देता हूँ। तो रिचर्ड और मैं इसको खोलते हैं इस वाले सेफ को और हम लोग अंदर जाते हैं तो हमें एक और गोल्ड का स्टैक मिलता है और रिचर्ड बोलता है कि मैं जितना भर सकता हूँ मैं उतना भर लेता हूँ, बचा हुआ आप भर लो। तो फिर मैं तुरंत जाता हूँ और मैं बचा हुआ पूरा कलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमें पूरी लूट लेनी है और हमें यहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ना है, एकदम चिल्ली चुल्ली करके जाना है कि हमें पैसा और मिले। मेरे और रिचर्ड का बैग दोनों का फुल हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ से एस्केप ट्राई करते हैं। गाइस हम लोग चुपचाप बाहर निकलते हैं धीरे से क्योंकि बंदे वापस से रिस्पॉन हो चुके हैं और हमें पूरा क्लियर करके फिर हमें जाना रहेगा। तो मैं और रिचर्ड जाते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं और 2-3 बंदे हमें दिख जाते हैं तो हम उनको भी थोड़ा देख देख के जाते हैं, मतलब मैप में हमें 2-3 ऑब्स्टिकल्स दिख जाते हैं, हम उनसे भी साइड होके एकदम कॉर्नर जाते हैं। एक बंदा मेरे को फिर दिखता है और मैं उसको नॉक कर देता हूँ, नहीं तो वो हमें आइडेंटिफाई कर लेगा और सबको बता देगा और तो पूरा झुंड हमें मारने आएगा। तो गाइस इसी के साथ हम लोग यहाँ से तो गाइस मैं और रिचर्ड जल्दी से बाहर आ जाते हैं उस बंदे को निपटा के और यहाँ सामने एक बंदा जा रहा रहता है, उसके विजन में हम नहीं आते हैं, हम पीछे से निकल जाते हैं और फिर मेरी को मस्ती आती है, अरे एक मार देता हूँ एंड विजन ख़त्म होते से। और फिर मैं और रिचर्ड पुश करते हैं क्योंकि ये एक गेम का वो है, क्या बोलते हैं DLC है कि ये पुश करेगा करके ऐसा दिखाएगा वीडियो, फिर उसके बाद ही मैं लात मारता हूँ। और फिर उसके बाद बटन दिखता है, हम लोग प्रेस करते हैं और हम लोग बाहर जाते हैं। और बाहर असल में असली थ्रिल बाहर होता है गाइस, क्योंकि अगर बाहर किसी को पता चला तो पूरी फौज हम पे लग जाएगी। तो हम यहाँ धीरे धीरे जाते हैं, यहाँ हम टेक ओवर करते हैं, यहाँ हम किल करते हैं, कंप्लीट किलिंग करते हैं, ख़त्म करते हैं बंदों को और उसके बाद हम यहाँ पर बंदों को मारते हैं करके। और यहाँ से हम सीधे निकलते हैं, गाड़ी लेते हैं और गाड़ी लेके हम एस्केप करते हैं बिल्कुल एकदम तगड़ी तरीके से और भगाते हुए। मैं लेता हूँ बाइक लेके निकल जाता हूँ मैं, और रिचर्ड लेता है कार लेके रिचर्ड पीछे से निकल जाता है और मैं यहाँ से साइड से निकलता हूँ। हम लोग ने एस्केप पॉइंट भले ही मेन डॉक लगाया हो लेकिन नॉर्थ डॉक लगाया हो लेकिन हम लोग कहीं से भी एस्केप कर सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पानी से करें और मैं पानी में कूद जाता हूँ और पानी में कूदने के बाद मैं सीधा अंडर वाटर होते हुए निकल जाता हूँ कि मैं मतलब प्लेन के और मतलब जो हेलीकॉप्टर हमारे पीछे लगा है उसके पीछे ना हूँ। फिर भी मेरे पे गोलियाँ पड़ती रहती हैं गाइस और मैं ना धीरे धीरे स्नैक दबाते जाता हूँ, जल्दी जल्दी खाते जाता हूँ कि जितनी भी गोलियाँ पड़ रही हैं तो वो गोलियों का असर ही ना हो, मैं स्नैक खा के अपनी हेल्थ बढ़ा लूँ। और भाई कंटिन्यू ऐसा होता रहता है और इन द एंड वी ट्राई टू फोकस ऑन आर लाइफ और हम लोग बचा के हमारी लाइफ को पूरी बढ़ा के एकदम कोने तक ले आते हैं। और जब ले आते हैं एकदम कोने तक ले आते हैं तो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू विन दिस हाइस्ट। और मतलब ऐसा होता है कि एक सेकेंड के लिए तो जो हमारा रिचर सेनपाई है वो बोलता है भैया मेरे पीछे फौज लगी है बचाओ भागो। तो हम लोग पानी से एकदम सीधा डाइव करते हुए अंडर वाटर, वो देखो रिचर मेरे ऊपर से जा रहा है गाइस, तो वो होते हुए हम लोग निकल जाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। तो इसी के साथ गाइस हमारी हाइस्ट हो जाती है ख़त्म और हम हाइस्ट पास हो जाती है हमारी गाइस। और दूसरा हमें
कायो पेरिगो हाइस्ट करने के बाद एक प्यारा सा आउट्रो मिलता है उसी की तरफ से, कायो पेरिगो की तरफ से। ये वो कायो पेरिगो मतलब जिसने हमें वहाँ पे रॉब करने में जो उसका ये असिस्टेंट पीए है, और वो हमें देता है कैश, और ये सब लूट के बदले वो हमें कैश देता है, और वी अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ मनी जो आप खुद देख सकते हैं। हाइस्ट पास और मैं प्लेटिनम पे और रिचर गोल्ड पे है, और 5 लाख का आउटटेक मतलब पोटेंशियल टेक होता है, एक्चुअल टेक इतना मुझे मिला है, मतलब 1,004,00,000 रुपीस इन GTA 5। मींस और क्या चाहिए भाई, चार मतलब अगर मुझे एक 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 हाइस्ट इतना दे रहा है तो चार हाइस्ट मुझे कितना दे रहा हो सोचो। मींस इनडायरेक्टली आई कैन बाय एवरी सिंगल हाउस इन GTA in just in 2 or 3 months guys, और हम लोग यहाँ enjoy करते हुए हमारी winning को। तो guys thank you for watching Insane T-Rex Gaming, मिलते हैं आपसे अगले video में।